आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अभ्यर्थियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, रेलवे मंत्रालय ने एनटीपीसी और लेवल वन परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा रेल मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर लिया है। यह कमेटी परीक्षा में पास हुए और फेल हुए अभ्यर्थियों की शिकायत को सुनेगी और इसकी रिपोर्ट रेल मिनिस्ट्री को सौंपेगी। इसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। फिलहाल रेलवे की परीक्षा पर रेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। बता दें कि देश भर में 1,26,00,000 बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया था। बिहार में हालात काबू करने के लिए हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस आंदोलन का उग्र रूप बिहार में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आज एक बड़ा जो है उग्र रूप ले लिया ये नौकरी की आग। जी हम बिहार के गया में स्टेशन पर ट्रेन को फूंक दिया गया। यूपी में भी कई जगह प्रदर्शन। रेल मंत्री थोड़ी देर में करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बच्चों को संबोधित करेंगे और समझाएंगे कि आगे किस प्रकार रेल मंत्रालय ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। एडीजी निर्मल कुमार आज़ाद के अनुसार रेल पुलिस आरपीएफ के साथ वहां जिला पुलिस की टीम मौजूद है। खुद गया के एसएसपी भी मौजूद है, हालात को काबू करने में लगे हैं। रेलवे में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन गई है, इस पर काबू पाने के लिए रेलवे के आला अधिकारियों से बात की जा रही है। लगातार विद्यार्थियों की मांग है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली हुई है और जहां पर 2,00,000 बच्चों को जो है सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाना था, एक ही बच्चे का नाम कई रिजल्ट में घोषित किया गया है और इस प्रकार चीज़ों को लेकर बच्चों और आरआरबी एनटीपीसी के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसका उग्र रूप आज देखने को मिला 26 जनवरी के दिन, जिस दिन सब लोग गणतंत्र दिवस के इस हार्दिक और राष्ट्रीय पर्व में मग्न थे, तो वहाँ बिहार में एक ट्रेन को फूंक दी गई। फिलहाल रेल मंत्रालय की तरफ से इस पर जाँच कमेटी बैठा दी गई है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है।